खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला की अध्यक्षता में एपीजे सभागार में मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने कहा कि आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण बहुत जरूरी है, इसलिए सभी कार्य योजना बनाकर समन्वय बनाते हुए कार्य करें। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी व्यवहार में मधुरता रखें और सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान करें। साथ ही रैन बसूरियों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि आपदा या बाढ़ के दौरान प्रभावितों को तुरंत विस्थापित किया जा सके। जानकारी के अनुसार बैठक को सीएम धामी के वीडियो संदेश से शुरू किया गया। वीडियो संदेश में सीएम धामी ने कहा कि पूर्व आपदाओं को देखते हुए आपदा से पहले सभी तैयारियां कर ली जाए, ताकि जन और धन हानि अति न्यून हो। उधम सिंह नगर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से मानसून सत्र से पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को इस प्रकार के निर्देश दिए थे कि वो अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित इस प्रकार से करें कि हमें जनहानि या जन जो आपदा के कुप्रभाव कम हो, उसी दृष्टिकोण से आज यहाँ पे जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक, जिलाधिकारी और अन्य सभी अधिकारी जो उसके सदस्य होते हैं और जो लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं उनके संबंध साथ हुई है। और इसके अंतर्गत जिले के द्वारा विभिन्न प्रकार के नलियों की ड्रेजिंग, चैनलाइजिंग और जो है नगर पालिकाओं के अंदर सिस्टम को ऑन करने के लिए, कंट्रोल रूम बनाने के लिए, दवाइयां सुनिश्चित करने के लिए, जंतु और अन्य प्रकार से होने वाले हानियों और नुकसान, इस प्रकार की विभिन्न तैयारियों की चर्चा यहां हुई है। निश्चित रूप से यहां जिला उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी जी की जिलाधिकारी उधम उदयराज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जो जल भराव ऊपर से पानी की मात्रा बढ़ेगी तो उन परिस्थितियों से भी निपटने के लिए यहाँ की टीम तैयार है। देखिए, आपदा प्रबंधन के संबंध में बहुत ही डिटेल और बड़ी ही क्लैरिटी में गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका हम लोग फॉलोअप करते हैं। प्लस जो कल लोकल जो जागरफिकल सिचुएशन है हमारे इस उधम सिंह नगर टेरेन की, उन सबको देखते हुए हमने पूरे जनपद के अधिकारियों के साथ मई के प्रथम सप्ताह में ही बड़ी डिटेल बैठक कर ली थी। क्या क्या काम कराए जाने हैं बरसात के पहले, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया, उनको फिर स्वीकृत कराया गया और फिर उसके टेंडरिंग होके काम भी लगभग पूरे हो गए हैं, हम ये कह सकते हैं। दूसरे चरण में हमारी जितनी बाढ़ चौकियाँ हैं, जितने कंट्रोल रूम्स हैं, जितना स्टाफिंग जहाँ जहाँ लगना है, ये सब हमारी तैयारी पूरी हो गई है। तीसरे चरण में अगर आप देखें तो फंड, जैसे दैवीय आपदा में नेचुरल कैलेमिटी में जो रिलीफ दी जाती है वो समय से लोगों को मिल सके, शासन के निर्देश हैं कि 24 घंटे में ये चीज़ें मिलें और उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। अभी तक जो घटनाएं दैवीय आपदा से हुई हैं, साथ ही साथ और भी जो सुझाव अभी भी मिल रहे हैं हम लोगों,